भाई साहब जी बताइए, आप ई बैंक में काम करते हैं का? हाँ जी बोलिए। लोन चाहिए। सामने कैबिन है, वहां चले जाइए। ठीक बा। मैं आई कम इन सर। अरे आइए आइए भारद्वाज जी, बैठिए। थैंक यू वेरी मच सर। कहिए कैसे आना हुआ साहेब। अरे रुको बुलाते हैं। ठीक है साहेब। कहिए भारद्वाज जी कैसे आना हुआ? आपने हमारा लोन का काम मिनटों में पूरा करा दिया, तो मुंह मीठा कराना तो बनता ही है ना। अरे नहीं भारद्वाज जी, आपको तो बताइए मैं मिठाई नहीं लेता। ये बहुत अच्छी मिठाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। हो अच्छा अच्छा, और सुनाइए बताइए क्या लेंगे आप? जी शुक्रिया धन्यवाद। साहब हम भीतर आ सकत हूँ? कहिए। नमस्कार साहब। क्या काम है साहब? लोन चाहिए। ओ तो तुमका लोन चाहिए। जी साहब। कुछ गिरवी रखने को है तुम्हारे पास? साहब गिरवी रखने को तो हमारे पास कछु नहीं है, पर कोनो बोलत रही कि प्रधानमंत्री जी कोनो लोन की योजना शुरू करे रही। तो तुमने हमारे बैंक को अपना ससुराल समझ कर रखा है क्या? क्या बिना जमानत के कुछ भी उठा के ले जाएंगे? तो साहब बिना गिरवी रखे कछु ना मिल सकी? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है साहब। अच्छा सुनो। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी मगन। मगन क्या करते हो? साहब अभी तो कछु नहीं करत हूँ। अरे कुछ करते भी नहीं, लोन भी तुमने लेना है, फिर ये लोन चुकाओगे कैसे? साहब हम सोचे रही कि हम एक तो सब्जी का ठेला डाले लेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा करके तुहार बैंक का पैसा लुटा ही देंगे। देखो मगन, वैसे तो हमारा बैंक बिना कुछ गिरवी रखे या बिना जमानत के कोई पैसा नहीं देता, लेकिन क्या करें, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है, हमें भी दया आ जाती है। तुम पे तरस खाते हुए लोन तो मैं दिलवा सकता हूँ, एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ मेरी बात माननी पड़ेगी। कहें साहब। कितना लोन चाहिए तुम्हें? साहब 25-30 हजार से हमारा काम चल जाएगा। 25-30 हजार। अच्छा सुनो, हम तुम्हें 50 हजार का लोन दिलवा देंगे, लेकिन उसमें से 20 हजार तुम्हें हमें देना पड़ेगा। 20 हजार आपको का है साहब? अरे कमाल करते हो,
तुम्हें लोन दिलवाने के चक्कर में मैं अपनी नौकरी रिस्क में डाल रहा हूँ, इसके लिए 20,000। साहब माफी, हमार वो मतलब नहीं था। अरे तो क्या मतलब था तेरा? साहब आपको जैसन ठीक लगे वैसन कर लो, बस हमका 30,000 रुपया दिलवाई दो साहब। तो सुनो, मैं कुछ डॉक्यूमेंट लिख के दे रहा हूँ। साहब ई डॉक्यूमेंट का? अरे वही कागज पत्र। जी साहब। ये लो। और एक बात ध्यान से सुन लो, इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा लोन तो गया, फिर सेंशन नहीं होगा। नहीं साहब, हम कोनों को नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गुड इवनिंग गैरी जी। गुड इवनिंग मिस्टर मैनेजर, आपसे एक छोटा सा काम है, तो कल मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलिए। हाँ जी हाँ जी, जरूर। तो कल आप सीधे मेरे ऑफिस में ही आ जाइएगा, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, श्योर। ओके, कल मिलते हैं। जी कल आता हूँ। May I come in, sir? Come in. Have a seat. Sir, आपने याद किया था? Mr. Manager, आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि हमारी कंपनी कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। हाँ जी हाँ जी। तो उसी के लिए हमें कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जरूर बताइए, कितना फंड चाहिए आपको? कुछ ज्यादा नहीं, only 3,000 crore। सॉरी सर, कितना? 3,000 crore। 3,000 crore? लगता है आपके बस का नहीं है। वैसे भी बहुत सारे बैंक हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मैं उनको कह देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप तो हमारे बहुत पुराने और लॉयल कस्टमर हैं, आपको भला बैंक लोन देने से कैसे मना कर सकते हैं, हम कर लेंगे सर। गुड, वेरी गुड। देखिए मिस्टर मैनेजर, अगर आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम भी आपका ख्याल रखेंगे, सही कह रहे हैं? जी जी, समझ गया सर, समझ गया। गुड, कुछ चाय कॉफी लेंगे आप? नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, मैं आपके लोन का इंतजाम करता हूँ। बाबा। हाँ बिटुआ। इस बार मैं क्लास में पक्का अव्वल लाऊंगा। तू तो बिटुआ हमका पता बा। साहेब हम भीतर आ सकत हूँ? अरे मगन, आ जाओ आ जाओ। बिटुआ आई जाओ। बोलो कैसे आना हुआ? साहेब हम तुहार को मिठाई खिलाने खातिर आवत रहा। अरे मिठाई, ये किस खुशी में भाई? साहेब ये हमारा बिटुआ है, बिटुआ आशीर्वाद ले साहेब से। अरे कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है। साहेब ये स्कूल में अव्वल आए रहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो हम सोचे रहा सबसे पहले जाकर साहेब का मुंह मीठा करवाया जाए, ये साहेब हमारी ओर से त्योहार के लिए। और कुछ कहना चाहते हो? साहेब हमारा बचुआ कॉलेज जाना चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए थोड़ा पैसा और चाहिए साहेब। अरे ये क्या बात कर रहे हो, तुमने अभी पिछला लोन तो उतारा नहीं और नया लोन लेने की बात कर रहे हो? साहब हम बैंक का थोड़ा थोड़ा करके 35,000 दे दिया हूँ। सुनो मगन, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना, पिछले 4 महीने से तुम्हारी कोई किस्त नहीं आई है और इस महीने का मिला के पूरा 40,000 बकाया है। साहब का करें, पीछे हमका डेंगू हो गया था, उसके अलावा आपको पता ही है मौलवा वगैरह के आने के बाद हर कोई वहीं जावत रहा, हमको
आजकल थोड़ा मंदा लग रहा है तो उसकी खातिर हम अभी किश्त दे नहीं पाया, मगर हम थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा बैंक का लुटाए देंगे साहिब। कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग गैरी जी, हाउ आर यू? आपसे कुछ काम था। कहिए, कैसे याद किया? एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की और जरूरत पड़ गई है। बाबा अब क्या होगा? हाँ तो कोई बात नहीं गैरी जी, आपका अपना बैंक है, आप बताइए सही आपको लोन कितना चाहिए। भाई से लोन मत करो, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप ही को इसका फायदा मिलेगा। चलो वही सही, कुछ ज्यादा नहीं, बस 3,000 करोड़ से अपना काम हो जाएगा। 3,000 करोड़? पर गैरी जी अभी तो आपका पिछला भी काफी बकाया पड़ा है ना। लिसन मिस्टर मैनेजर, अगर आपको पैसा देना है तो ठीक है, नहीं तो और बहुत सारे बैंक हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, आप तो नाराज हो गए, कोई ऐसी बात नहीं, पर हाँ हमारा भी जरा ख्याल रखिएगा, हो जाएगा पक्का। हम अपने पाले हुए कुत्तों को बोटी और रोटी डालना नहीं भूलते। पता नहीं क्या समझते हैं साले अपने आप को। तो साहब, अरे मगन तेरे को बोल दिया ना, जब तक पुराना बकाया क्लियर नहीं हो जाता और कोई लोन नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, चलो बिटुआ। एक मिनट मगन, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने अपना बकाया जल्दी नहीं चुकाया ना तो बैंक तुम पे पुलिस कार्रवाई भी कर सकता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है साहब। एक बार में समझ नहीं आता इन लोगों को। आवा बिटुआ आवा। बाबा अब क्या होगा? कुछ नहीं बिटुआ, पर तू घबरा नहीं बिटुआ, हम कुछ ना कुछ करके त्योहार के लिए इंतजाम कर दूंगा। पर पुलिस बाबा? बेटा वो तो साहब ऐसे मजाक करत रही, ऐसा कुछ नहीं होवे रही, घबराना नहीं बेटा, घबराना नहीं। लोग परेशान है, खासतौर से केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर बर्फीला तूफान आया है, लोगों की सांसें थम गई थी उस वक्त। बर्फ से लदे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर हुई एक जोरदार गर्जना के साथ बर्फ ने खिसकना शुरू किया और देखते ही देखते अचानक इसने एक खतरनाक एवलांच का रूप ले लिया। नजारा ऐसा था कि केदारनाथ की यात्रा पर पहुंचे यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। तो प्रिया जी, हम यहाँ रुको रुको, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज से पता चला है, शहर की जानी मानी हस्ती गैरी बिल्डर्स जिनका 4,000 करोड़ का लोन माफ हो गया, दूसरी तरफ एक आम इंसान जिसका 4,00,000 का लोन भी माफ होना मुश्किल है। क्या बात है, कुछ भी हो सकता है, बड़े लोग बड़ी बातें। गुड इवनिंग गैरी जी। गुड इवनिंग मिस्टर मैनेजर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? हम अपने खेल में कामयाब हो गए हैं। देखिए गैरी जी, हमने इस कामयाबी में आपका पूरा साथ दिया है, तो हमारा भी कुछ ख्याल रखिएगा। कल आप मुझे मेरे होटल में आके मिलिए। जी ठीक है, मैं कल होटल में आके मिलता हूँ। ओके। बाबा आ गए? पानी लाऊं?
बाबा वो बैंक वालों का फोन आया था। अच्छा बचुआ। और वो कुछ पुलिस की भी बात कर रहे थे बाबा। कोनो बात नहीं बचुआ, हम देख ले। तू जा बचुआ, हम देख ले, अपनी पढ़ाई देख जा। गुड इवनिंग गैरी जी। ओहो, लगता है आपको गलत टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया। भाई डिस्टर्ब तो किया है, पर खैर कोई बात नहीं, आप बैठिए। मिस्टर मैनेजर भाई, आपने बड़ा ख्याल रखा है हमारा, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी आपके लिए कुछ करें। ये लीजिए, आर यू हैप्पी नाउ? अब खुश तो हो ना आप? नहीं वैसे तो थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए भाई, ये मिस्टर मैनेजर हैं, हमारे बड़े खास हैं। कहिए और क्या लेंगे आप, ये या फिर ये? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, मेरे लिए यही काफी है। बैंक पुलिस कार्रवाई भी कर सकता है।
ये देखो क्या न्यूज। बाबा 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 उठो। सब्जी वाले भैया रुकना जरा। सारा खेल विष का था। एक को विष में खुशी मिली, एक को मौत, और उस विष का विषपान इस बच्चे को करना पड़ रहा है। आखिर क्यों?